हर जाति हर बिरादरी यहाँ ख़त्म हो चुका। यहाँ तेजस्वी जी के साथ सब पूरी जनता बिहार के आज जुड़ गई है मजबूती के साथ, और इसका परिणाम आपको 24 में मिलेगा और 25 में। फातमी जिन्होंने कल जनता दल यूनाइटेड का दामन छोड़ा है और उसके बाद आज फिर से राष्ट्रीय जनता दल का दामन थामा है। फराज फातमी पहुंचे 10 सर्कुलर राबड़ी हाउस और उसके बाद उन्होंने मीडिया से बातचीत की है। लगातार जनता दल यूनाइटेड में नेताओं के छोड़ने की कवायद जो है वो लगातार जारी है, और इस बीच जो है ये बड़ी तस्वीर निकल कर सामने आई है। दोनों अली अशरफ फातमी फराज फातमी जो है वो 10 सर्कुलर राबड़ी हाउस पहुँचे। राबड़ी हाउस पहुँचने के बाद उन्होंने किस तरीके से जनता दल यूनाइटेड के ऊपर आरोप लगाया है और आरजेडी को लेकर क्या कुछ कहा है आपने? लोकसभा चुनाव को लेकर करने के लिए फिर से आरजेडी में वापसी किया आपने? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जिस तरीके से 17 महीने इस प्रदेश के अंदर एक स्टेबल सरकार चल रही थी, एक बैलेंस सरकार चल रही थी, एक डेवलपमेंट वाली सरकार चल रही थी, जिससे 5 साल 7 लाख लोग बच्चों को नौकरी मिली, युवाओं को, और जिस तरीके से युवाओं को नौकरी देना, डेवलपमेंट करना बिहार के अंदर, और सरकार को अनस्टेबल कर दिया, किसी न किसी तरीके से माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के ऊपर एक भारी दबाव था। ये दबाव प्रेशर किस चीज़ का था ये मैं नहीं जानता, और मैं निश्चित तौर पर मैं ये समझता हूँ कि बिहार का फ्यूचर अगर किसी के साथ आज खड़ा है तो माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी के साथ खड़ा है। वो युवा सम्राट है, युवा हैं, युवा सोच के हैं, और बिहार की जनता उनके साथ खड़ी है। निश्चित तौर पर मुझे गर्व है कि मैं अपने भाई के साथ आज जुड़ रहा हूं, और निश्चित तौर पे आगे किस तरीके से बिहार को आगे ले जा सके इसके तरीके से हम लोग इसकी विचार करेंगे, आगे बढ़ेंगे। कई लोग जेडीयू छोड़ रहे हैं, कल बीमा भारती ने भी छोड़ दिया, ये लिस्ट क्या आगे और लंबी होगी? ये तो वो तो उनका आंतरिक मामला है, जेडीयू अपना जाने, लेकिन मैंने जो मैंने आपको बात बताई भाई, तीन मरतबा सरकार में आना और ओथ लेना, फिर से सरकार बनाना, बिहार के अंदर एक तरीके से अनदेखी की गई है, और बिहार की जनता इसको समझ रही है। एक तरफ पलटू राम की सरकार है और एक तरफ युवा की सरकार है। युवा जोश का हमारा नेता है, हमारा भाई है तेजस्वी यादव, और उसके साथ पूरी जनता आज बिहार के उसको एक फ्यूचर देख रही है, और निश्चित तौर पर उसके साथ हम आज खड़े हैं। हर जाति हर बिरादरी यहाँ ख़त्म हो चुका, यहाँ तेजस्वी जी के साथ सब पूरी जनता बिहार के आज जुड़ गई है मजबूती के साथ, और इसका परिणाम आपको 24 में मिलेगा और 25 में भी मिलेगा। क्या लोकसभा आएगी, क्या लगता है भाई? 40 के 40 सीट जीतेंगे हम लोग, क्या बात कर रहे हैं? दावेदारी है क्या लोकसभा? नहीं, मेरी कोई दावेदारी नहीं। फिर से आरजेडी में वापसी किया आपने? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जिस तरीके से 17 महीने इस प्रदेश के अंदर एक स्टेबल सरकार चल रही थी, एक बैलेंस सरकार चल रही थी, एक डेवलपमेंट वाली सरकार चल रही थी, जिससे 5 साल 7 लाख लोग बच्चों को नौकरी मिली, युवाओं को, और जिस तरीके से युवाओं को नौकरी देना, डेवलपमेंट करना बिहार के अंदर, और सरकार को अनस्टेबल कर दिया, किसी न किसी तरीके से माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के ऊपर एक भारी दबाव था। ये दबाव प्रेशर किस चीज़ का था ये मैं नहीं जानता, और मैं निश्चित तौर पर मैं ये समझता हूँ कि बिहार का फ्यूचर अगर किसी के साथ आज खड़ा है तो माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी के साथ खड़ा है। वो युवा सम्राट है, युवा हैं, युवा सोच के हैं, और बिहार की जनता उनके साथ खड़ी है। निश्चित तौर पर मुझे गर्व है कि मैं अपने भाई के साथ आज जुड़ रहा हूं, और निश्चित तौर पे आगे किस तरीके से बिहार को आगे ले जा सके इसके तरीके से हम लोग इसकी विचार करेंगे, आगे बढ़ेंगे। कई लोग जेडीयू छोड़ रहे हैं, कल बीमा भारती ने भी छोड़ दिया, ये लिस्ट क्या आगे और लंबी होगी? ये तो वो तो उनका आंतरिक मामला है, जेडीयू अपना जाने, लेकिन मैंने जो मैंने आपको बात बताई भाई, तीन मरतबा सरकार में आना और ओथ लेना, फिर से सरकार बनाना, बिहार के अंदर एक तरीके से अनदेखी की गई है, और बिहार की जनता इसको समझ रही है। एक तरफ पलटू राम की सरकार है और एक तरफ युवा की सरकार है। युवा जोश का हमारा नेता है, हमारा भाई है तेजस्वी यादव, और उसके साथ पूरी जनता आज बिहार के उसको एक फ्यूचर देख रही है, और निश्चित तौर पर उसके साथ हम आज खड़े हैं।